टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिस्पी भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी सभी को पसंद रहती है, यह बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसे नए तरीके से बनाएंगे तो इसका और भी जायका बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो आज हम आपको भिंडी की सब्जी बनाकर दिखा रहे हैं वह सबसे डिफरेंट है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं भिंडी की सब्जी किस तरह और कैसे बनाई जाएगी। उसके लिए हमें आवश्यकता होगी भिंडी, जो कि हमने थोड़ी लंबाई में काट रखी है, और फ्रेंड्स दो टमाटर, प्याज कटे हुए, और धनिया, और फ्रेंड्स कुछ मसाले। मसालों में लिया हुआ है जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया, और फ्रेंड्स स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों से हम आज आपको बताएंगे कि भिंडी की सब्जी किस तरह और कैसे बनाई जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई अपनी लो फ्लेम पर रख ली है और अब हम इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे बनाने के लिए सरसों का तेल भी ले सकते हैं या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब तक यह अच्छे से गर्म होता है तब तक हम इसे अपनी हाई फ्लेम पर रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे और अब हम इस अपने भिंडियों को इसके अंदर तल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ऑयल से सभी भिंडियाँ निकाल ली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जीरा ब्राउन कलर का हो चुका है और अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर कटे हुए बारीक अनियन डाल देंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सभी को इसके अंदर अच्छे से ऐड कर दूंगी और फ्रेंड्स अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी। अब हम इसे कुछ देर के लिए पकने के लिए ढककर छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ओनियंस काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कटे हुए बारीक टमाटर ऐड करूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ढक दिया है और अब हम 2 से 3 मिनट इसे ऐसे ही पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर दही डाल दूंगी रोस्ट की हुई, लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको हाई फ्लेम पर दही का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर अपनी दही इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपकी दही फट जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर रखी है और अब मैंने इसके अंदर दही डाल दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी दही को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए ऐसे ही रख देती हूँ। बस आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे ज़्यादा गर्म में बिल्कुल नहीं डालना है। अगर ज़्यादा गर्म मसाले में आप अपनी दही को इसके अंदर डालेंगे तो आपकी दही फट जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे थोड़ा सा लो फ्लेम पर करके उसके बाद दही का मिश्रण इसके अंदर डालिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी दही बिल्कुल भी नहीं फटी है, हमारा मसाला बहुत ही अच्छा बन रहा है। तो आपको इसी प्रकार मसाले को बनाना है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और इसे इसी तरह अच्छे से बॉईल होने दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है और हमने इसके अंदर सभी मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर रोस्ट अपने भिंडियों को तल लिया था वो भी इसी के अंदर डाल देंगे और इन्हें अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी भिंडियों का कलर कितना प्यारा आया हुआ है और यह कितनी अच्छी दिख रही हैं।
अगर इसी तरीके से आप भी भिंडी की सब्जी बनाकर खाएंगे तो आपको ये बच्चों को और आपको बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी अच्छे से बॉईल हो रही है। अब मैं इसके अंदर कटी हुई मिर्च और थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। वाओ, देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडियों का कितना लाजवाब कलर है और यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देखने में देख सकते हैं कितनी स्वादिष्ट और कितनी अच्छी दिख रही है। और फ्रेंड्स, यह खाने में भी इतनी ही स्वादिष्ट और अच्छी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप भिंडी की सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपकी फैमिली को यह सब्जी बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड, अगली न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।